हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूएसएसडी साइंस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड के रिडक्शन से। ठीक है दोस्तों, सारा रिएक्शन दोस्तों हम लोग ट्रिक से ही जानेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक स्किप एक ट्रिक को ले डूबेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा तो आपको 100% समझ में आएगा, रिएक्शन को पूरा करना आपको आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं अल्कोहल का प्रिपरेशन रिडक्शन मेथड से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, रिडक्शन करवा रहे हैं हम। सबसे पहले एल्डिहाइड का करवाएंगे, फिर कीटोन, फिर एसिड, सब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आप वीडियो को पहला देखिए। पहला रिएक्शन आज का है एल्डिहाइड का रिडक्शन। अब एल्डिहाइड तो आप लोग जान रही होंगे, CHO फंक्शन वाले ग्रुप को। एक तो मैंने बताया था इसका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से, तो वो तो मैं बताया था, वो तो अच्छा खासा रिएक्शन मैंने अच्छा से चलाया था, और उसमें भी ट्रिक बताया था आपको किस तरह से करना है। लेकिन ये सिर्फ रिडक्शन मेथड से करवा रहा हूँ। एल्डिहाइड को रिडक्शन कराएंगे तो किस तरह से अल्कोहल बनेगा, पहला रिएक्शन देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैंने लिया फॉर्मल एल्डिहाइड लेते हैं, सबसे पहले आपको जो भी आसान लगे आप वही देखिए, और इसको रिडक्शन करा। देखिए ये है हमारा NaBH4, ठीक है, ये इससे रिएक्शन कराते समय होता है क्या दोस्तों, ये हमें दो हाइड्रोजन देता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन को दो हाइड्रोजन देता है। अब देखिए इसी दो हाइड्रोजन से ये अल्कोहल में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रिडक्शन कराएगा तो ये रिडक्शन कराते समय दो हाइड्रोजन देता है। अब ये देखिए क्या करता है, ये एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बन के आ गया हमारे पास CH3 और OH, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। जब भी इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया जाए, NaBH4 या फिर Li, आप एक पॉइंट तो आप यहाँ पे मैं ही लिख ही देता हूँ, NaBH4 ये आपको दो हाइड्रोजन देगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन और एक है रिड्यूसिंग एजेंट AlCl4, ये आपको चार हाइड्रोजन देगा दोस्तों। ठीक है, जरूरत के हिसाब से, अभी हमको दो हाइड्रोजन से काम चल गया तो मैंने इसका इस्तेमाल किया रिडक्शन में। ठीक है, आपको ये देगा ही देगा, अगर एल्डिहाइड है तो आपको ये देगा। ठीक है, कीटोन में भी आपको यही देगा, लेकिन एसिड आ जाएगा तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, वो हम लोग देख रहे हैं आगे। अभी हमने क्या किया, NaBH4 जैसे ही देखा तो ये दो हाइड्रोजन देता है, ये हमको मालूम है। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दिया, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दिया। ठीक है, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड से अल्कोहल। एक और रिएक्शन देख लेते हैं दोस्तों, NaBH4 जब भी ये दे तो आप इसमें दिमाग ना लगाएं कि हम Na से O हटा दें या फिर BHO, ऐसा कुछ नहीं, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको ये इसका काम है बस हाइड्रोजन देना। अभी हाइड्रोजन का उपयोग आपके हाथ में है। ठीक है, CH3, ये रहा CH3 पहले वाला, और ये CH3 जो अभी बना है CH2, और ये OH हमारा बन गया। ये था हमारा एल्डिहाइड का। अब हम लोग देखने वाले हैं कीटोन का, कीटोन का भी देख लेते हैं दूसरा। ठीक है, हुआ कुछ नहीं, बस जो कंपाउंड एल्डिहाइड था, जैसे देखिए, ठीक है, इसमें भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 का ही उपयोग होगा, जो दो हाइड्रोजन हम लोग को देता है। सेम कहानी, एक इसके पास, एक इसके पास। ये बन गया हमारा अल्कोहल, आपको दो हाइड्रोजन मिलेगा, एक इसको देना है, एक इसको देना है, बस बन गया आपका अल्कोहल। एक और दिखा देता हूँ, C6H5, ठीक है, बेंजीन टाइप में कुछ आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, अब देखिए करना डरना किसी से नहीं है कि ये बेंजीन आ गया या फिर बेंजीन रिंग के साथ कुछ और है, न्यूक्लियस कुछ, इससे कोई डरना नहीं है। आपको कीटोन देखना है और एल्डिहाइड देखना है। अगर एल्डिहाइड है, कीटोन है और बीच में NaBH4 है, तो दो हाइड्रोजन भी है। अब दो हाइड्रोजन भी है तो दो हाइड्रोजन को भेज दीजिए। ये बन गया आपका C6H5COH, काम खत्म, समझे। अब हम लोग देख रहे हैं एसिड का किस तरह से रिडक्शन होगा, किस तरह से वो अल्कोहल देगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग एसिड का भी देख लेते हैं किस तरह से उसको अल्कोहल में बदलेंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा रिएक्शन है आज का, फ्रॉम एसिड। ठीक है, एसिड कहने का मतलब C OH ग्रुप वाला, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए है ये एथोनिक एसिड है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसमें ये दो हाइड्रोजन से कुछ होने वाला है नहीं, है ना, इसमें क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन है, आपको
इतना ध्यान रखना है इसमें आपको ज़्यादा नंबर, क्योंकि इसको रिड्यूस कराने के लिए आपको ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, इसीलिए हम लोग LiLH4 का इस्तेमाल करने वाले हैं। हालांकि ये कैसे देता है 2 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोजन, ये कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगा, इनऑर्गेनिक में भी मैं बता दूंगा, उसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना शॉर्टकट हाइड्रोजन नहीं आता है, इसके पीछे भी रिएक्शन होता है, हालांकि वो आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन दे तो आप इसके पीछे मत पड़ जाइएगा। आप ये जानिएगा कि NaBH4 2 हाइड्रोजन, LiLH4 4 हाइड्रोजन, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, ठीक है, अब यहाँ तक इसका क्वेश्चन का काम यहीं पे खत्म हो गया दोस्तों, क्वेश्चन आपको यही भी देगा। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि मेरे पास इससे 4 हाइड्रोजन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कीजिएगा क्या, आप कुछ नहीं करना, आपको एक इसको दे के भगा दीजिए, H2O लेकर निकल गया, और बाकी इसको दे दीजिए, खुद अल्कोहल बन गया। ठीक है, देखिए CH3CaH2 यहाँ पे गया, बन गया दोस्तों अल्कोहल। एक और देखते हैं आपके सामने, ठीक है, हमको आप इतना देखिए कि अगर हम इस O को हटा दें तो ये पहले ही अल्कोहल है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड के साथ हटाना है, 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो डबल बॉन्ड के साथ हट जाएगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे देंगे तो ये अल्कोहल बन गया। आपको इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट को हमने इस्तेमाल किया है। अब LiBH4 को करते तो 2 ही हाइड्रोजन मिलता है, जो एक हटाते या फिर इसको देते हैं H2 और H2, एक हाइड्रोजन को पानी के साथ निकाल दीजिए और इसको यहाँ पे लगा दीजिए, ये हमारा बन गया अल्कोहल। अगर रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वीडियो को आप एक बार नहीं दो बार देखिए, आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि मैं इतना भारी तो बता नहीं रहा हूँ, ना इसमें कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि प्लस गया माइनस गया रिड्यूसिंग कैटलिस्ट सब्स्टिट्यूट, ऐसा कुछ मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको ट्रिक्स ही बता रहा हूँ कहाँ हटा कहाँ जुटा। अब इसके पीछे का भी अलग अलग रीजन होता है दोस्तों, इसके पीछे का भी अलग अलग मैकेनिज्म होता है, वो भी मैं बता दूंगा, अगर आपने कमेंट किया तो मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रिक से सीखना ज़्यादा आसान होता है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको ट्रिक से बनाना ही है, अगर मैकेनिज्म के पीछे भागोगे तो वो क्वेश्चन ही छूट जाएगा, छोड़ो बनना तो छोड़ो, छूट जाएगा क्वेश्चन आपका, इसलिए आप लोग ट्रिक को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। ये देखिए CH2 यहाँ पे गया और OH यहीं पे, ये बन गया आपका एक रिएक्शन। एक और देख लेते हैं, एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं आपका, आर कुछ भी हो सकता है, एल्काइल, ठीक है, एल्किन, ये आपका एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है AC OH। यहाँ पे अगर आपको दे दिया जाए LiAlH4 तो आप कीजिएगा, ये आपको इतना ही देगा LiLH4, ठीक है, या फिर हो सकता है ये भी ना दे आपको, सीधा ये दे दे, बोल दिया जाए कि अल्कोहल ने बदल लिए, तो आप कैसे बदलोगे, आप या तो ग्रेनाडियन का उपयोग करोगे या तो फिर LiLH4 का करोगे, जो भी आपको सिंपल नज़र आए वो कर दीजिए। हालांकि क्वेश्चन में जिक्र जरूर करेगा कि आपको किसका प्रयोग करना है, आपको रिड्यूसिंग करना है या फिर ग्रेनाडियन का प्रयोग करना है, तो वो बात की बात है, जैसा देगा वैसा हम समझेंगे। ये देखिए हमारा बन गया एसिड से केटोन्स और एल्डिहाइड से अल्कोहल, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और कुछ प्रिपरेशन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ईस्टर, ईस्टर से किस तरह से अल्कोहल बनाया जाता है दोस्तों, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। इसके पीछे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, एस्टर में होता है आपको एसिड की तरह 2 ऑक्सीजन में होता है, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि आपने या फिर क्वेश्चन में कुछ इस तरह का कंपाउंड दिया है, तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको इसको सिंपल रिडक्शन करा देना है LiLH4 से, ठीक है। इसमें होगा क्या दोस्तों, आपको 4 हाइड्रोजन मिलता है, सिंपल आप क्या कीजिए, इसमें आपको 2 अल्कोहल ग्रुप मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यहाँ जोड़िएगा तो मिल जाएगा और एक यहाँ से भी मिलेगा, तो हम लोग को मिलेगा कैसे, एक हाइड्रोजन आप इसको देकर हटा दीजिए, देखिए एक अल्कोहल मिल गया, बाकी को इसको दे दीजिए, इसको एक अल्कोहल मिल गया। देखिए पहले यहाँ से मिला तो इसको लिख लेता हूँ, या फिर पहले जो लिखिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, CH3O और H, समझे दोस्तों किस तरह से हुआ। देखिए CH3H हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को देने के बाद यहाँ पे देखिए O के साथ अटैच हुआ, तो ये हमारा अल्कोहल बन गया। एक और अल्कोहल बनेगा, देखिए यहाँ पे अभी भी 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, तीनों हाइड्रोजन को यहाँ पे दीजिए CH3CH2 और OH, है ना, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए तो 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा, मैंने इसको 2 हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे बचा हुआ 1 हाइड्रोजन इसके पास गया, तो ये बन गया CH3CH2OH, ये बन गया हमारा अल्कोहल। एक और रिएक्शन दिखाता हूँ दोस्तों आपको, प्रयोग आपको LiLH4 का ही करना है 4 हाइड्रोजन के साथ। देखिए आपको इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, आपको भी दिक्कत नहीं होगा,
चार हाइड्रोजन है, आपको कैसे भी लिखना है। देखिए हमने एक हाइड्रोजन से इसको हटा दिया, ये एक अल्कोहल बन गया। अल्कोहल के लिए आपको OH चाहिए, OH आपको मिला ना, हो गया। तो और तीन हाइड्रोजन है, तो इस दो हाइड्रोजन को इस कार्बन को दे दी और ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। मतलब मेरे पास बच गया C6H5CH2OH और प्लस में एक ये भी तो है, अल्कोहल ही है। दोनों कंपाउंड आपको अल्कोहल ही मिला, मैंने इसलिए आपको ये रिएक्शन बताया है। अगर आपको एक एस्टर से दो अल्कोहल बना दिया जाए या फिर कहा जाए कि इस तरह के कंपाउंड को इस तरह में चेंज कीजिए, तो आपको ये बात दिमाग में रखना है दोस्तों। हम लोग को एल्डिहाइड से एक ईथर मिल रहा था, केटोन एसिड तीनों से एक ही अल्कोहल मिल रहा था, लेकिन ईस्टर आपको दो अल्कोहल कंपाउंड देने वाला है, इसलिए मैंने आपको ये रिएक्शन बताया है। तो चलिए दोस्तों मैं आगे कुछ दिखा देता हूँ। आगे भी कुछ कुछ प्रिपरेशन है जो कि मायने रखता है, जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो मैं आपको अगले रिएक्शन की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। अगला रिएक्शन है हमारा ग्लूकोज से किस तरह से अल्कोहल बनता है। ये चीज़ आपको सिर्फ रिएक्शन आपको थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बारे में विशेष जानकारी आपको उसी चैप्टर में मिलेगी दोस्तों। कहने का मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वाले चैप्टर में ही, इसका एक अलग चैप्टर ही है, आपको बता देता हूँ। इसमें होता है क्या दोस्तों, जो भी ग्लूकोज आप जानते होंगे इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, C6H12O6, ये रहा हमारा ग्लूकोज। इसमें अगर हम जाइमेज एक कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, इसको मिलाएंगे तो ये डायरेक्टली हमको C2H5OH अल्कोहल कंपाउंड ये हमें देता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज भी करता है। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है बस, और इसके बारे में आपको विशेष जानकारी, ये रिएक्शन हुआ कैसे, जैमेज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट में कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप किस तरह से बनाया, ये आपको उसी चैप्टर में आपको जानकारी मिलेगी। मैं उस चैप्टर में आऊँगा तो आपको विशेष जानकारी दे दूँगा। होता है क्या दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स का तीन पार्ट होता है ना, मोनोसैकेराइड्स होता है, ओलिगोसैकेराइड्स होता है, पॉलीसैकेराइड्स होता है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आप उस समय पढ़ें तो आपको ऐसा ना लगे कि अनजान क्या है ये। तो मैं बता रहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको उसके सबसे बारे में मतलब सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को जानने के लिए आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में ही ये सब आने वाला है, इसी ये सब रिएक्शन इसी में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, तो ये होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर केटोन ग्रुप, ठीक है। कहने का मतलब बहुत सारा इसमें ऑक्सीजन केटोन एल्डिहाइड वगैरह का इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ था, अलग अलग होता है, एक केटोन अलग होता है, एक एल्डिहाइड का अलग होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ अलग अलग होता है, तो इसी को बोलते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ये या फिर सैकेराइड्स, इसको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स या फिर सैकेराइड्स। इसके बारे में दोस्तों मैं अगले कुछ चैप्टर आने वाले चैप्टर में आपको विशेष जानकारी दूंगा, इसका एक खास चैप्टर ही है, ठीक है दोस्तों। मैं उसमें आपको इसका जिक्र करूंगा। इसका तीन पार्ट होता है दोस्तों, पहला पार्ट है मोनो सैकेराइड्स, दूसरा है ओलिगो और तीसरा है पॉली, ठीक है। तो ये इसमें मोनो और ओलिगो और पॉली, ये तीनों टाइप पढ़ने के बाद आपको ये ओलिगो में या फिर मोनो पॉली में ये सब चीज़ का जिक्र होता है, कैसे दो कंपाउंड को जोड़कर पॉली हाइड्रेट सैकेराइड्स बनाया जाता है, वो समय बताऊंगा। हालांकि आपको अभी मैंने इस पूरे में आपको एक ही रिएक्शन बताया, ये कि ग्लूकोज को जाइमेज के प्रेजेंस में अल्कोहल बनाया जा सकता है। बाकी इन सभी चीज़ को आप छोड़ दीजिए, इन सभी चीज़ को मैं आने वाले चैप्टर्स में कवर करूंगा। इसका खुद का चैप्टर तो मैं इसमें क्यों इसमें उलझा दूं, मैंने आपको बस एक टर्म बता दिया है कि किस तरह से ग्लूकोज से जाइमेज के प्रेजेंस में आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे अब अगले प्रिपरेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अल्काइल हैलाइड से, जो कि पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा होगा, आपने लोगों ने पढ़ा होगा किस तरह से अल्काइल हैलाइड जैसे कि हैलोजन जो कंटेनिंग जो कार्बन होता है ग्रुप होता है वो सब कैसे अल्कोहल देगा, वो हम लोग अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उसको भी। तो दोस्तों अल्काइल हैलाइड से किस तरह से होगा रिएक्शन वो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए एग्जांपल से शुरू करता हूँ, ठीक है। हम लोग बना रहे हैं अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल को प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए पहला एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको तो पता होगा कि अल्काइल हैलाइड में आपको हैलोजन मिलेगा ही मिलेगा। इसको करना क्या है, सिंपल, ये हमारा एक कंपाउंड अल्काइल कंपाउंड है, अल्काइलिक हैलाइड कंपाउंड है, आपको बस ये क्लोरीन को हटाना है, इसमें OH लगाना है, क्लोरीन को हटाना है, OH लगाना है। इसके लिए आप जो उपयोग करना चाहें NaOH, AgBr या AgOH है ना,
या फिर के ओ एच, इसका इस सब का इस्तेमाल कीजिए और सबको हटा दीजिए। सिंपल ए जी सी एल हट जाएगा, ओ एच आकर जुड़ जाएगा, बन गया हमारा एल्कोहलिक कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, और साइड प्रोडक्ट ए जी सी एल। और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बी आर अल्काइल है ना दोस्तों, तो मैं अराइल क्यों ले रहा हूँ। ए जी बी आर अलग हो गया, ओ एच इसमें जुड़ गया, बन गया आपका साइक्लो एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से होता है दोस्तों कि आपको सिंपली एक हाइड्रोजन को हटा के ओ एच को किसी भी तरह से जोड़ना है। एक और दूसरा मेथड है आपका, जैसे मान लीजिए इस तरह से, ये भी आपका अल्काइल हैलाइड है। मान लीजिए मैं वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्वस दिया हुआ है या फिर वाटर दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में भी आप सेम कहानी कर सकते हैं, के बी आर को हटाइए, ओ एच को जोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान देखिए, थोड़ा सा वाटर रहेगा तो अल्कोहल रहेगा तो अलग रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये दूसरा चीज़ बना देगा, एल्किन बना देगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना आपको, इसका इस्तेमाल ना करके आप इसका इस्तेमाल कीजिए ना, एन ओ एच या फिर ए जी ओ एच या फिर वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, आपको कुछ कंडीशन में आपको अल्कोहल मिल जाएगा। हालांकि ज़्यादा ध्यान आप प्रेफर ए जी ओ एच को कीजिएगा, ये सिंपल दे देता है बिना किसी कैटलिस्ट के। बाकी के ओ एच एन ओ एच के लिए आपको कम से कम एक्वस का कंडीशन चाहिए होता है। तो ये था दोस्तों हमारा अल्काइल हैलाइड से किस तरह से बना वो। ठीक है दोस्तों, अल्काइल हैलाइड यहाँ पे के ओ एच की जगह पे एन ओ एच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एन ओ एच से बी आर हट सकता है, ओ एच आकर इसमें जुड़ जाएगा, है ना। समझे दोस्तों, ये रिएक्शन तो मैंने पहले ही बताया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा प्रिपरेशन अल्कोहल का खत्म हो गया। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, सॉरी दोस्तों, अगले वीडियो में मैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लूँगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब अलग अलग केमिकल से इसका रिएक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन अलग अलग केमिकल से कराएंगे, क्या बनेगा हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को रोक रहा हूँ दोस्तों। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और अपने दोस्तों के पास उसको भेजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि इस तरह का चैनल में आपको सारे रिएक्शन ट्रिक से बताया जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू।